बरेली की कहानी अब बिहार के कस्बाई जिलों में भी दोहराई जाने लगी है। जी हां, उत्तर प्रदेश के विधायक की पुत्री साक्षी मिश्रा की कहानी अब कस्बाई इलाकों में भी देखी जाने लगी है। बिहार के बेतिया में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। नगर की छावनी मोहल्ले के एक प्रेमी युगल ने शादी के बाद उसी तर्ज पर एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो शहर से लेकर गांव तक विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक पर देखा जा रहा है। मोहल्ले के किराना व्यवसायी नितेश यादव के साथ अंतरजातीय शादी रचाने वाली युवती के अनुसार उसे उसके परिवार वालों की ओर से धमकी मिल रही है। दोनों छिपकर किसी जगह पर रह रहे हैं। वायरल वीडियो में लड़की उत्तर प्रदेश के बरेली के विधायक राजेश मिश्रा की पुत्री साक्षी की तर्ज पर कह रही है, पापा हम शादी कर चुके हैं, प्लीज धमकी देना बंद करिए, ये सब दिखावटी नहीं है, ये सब सही है। आप लोग पहले भी धमकी दे चुके हैं कि शादी नहीं हो सकती, मार देंगे, घर पर जाकर भी आप लोग धमकी दे चुके थे, मगर हम लोगों को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, इसकी फैमिली को तंग करना बंद कर दीजिए। मतलब प्रेमी नितेश यादव की फैमिली को तंग करना बंद कर दीजिए। आप लोग पुलिस दारोगा करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को नाबालिग समझकर फंसा देंगे तो ये बिल्कुल भूल है। लड़की वीडियो में अपना आधार कार्ड भी दिखाती है और कहती है हमारे पास आधार कार्ड दिखाने के लिए है। इतना ही नहीं, लड़की ये भी कहती है कि हम लोगों को शादी की उम्र हो चुकी थी, पापा हम अपने पति के साथ हैं और पूरी तरह सेफ हैं, आप लोग धमकी देना बंद कीजिए। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वीडियो में एक जगह पर अपनी बात करने के बाद जब उसका प्रेमी संवाद शुरू करता है तो लड़की वीडियो में मुस्कुराने लगती है। इधर इस बाबत पूछे जाने पर कि कालेबाग ओपी के प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि उन्हें इस तरह के वीडियो वायरल होने की सूचना मिली है। अब तक की छानबीन में मालूम चला है कि लड़की बालिग है। खैर, बिहार में जिस तरीके से अब दोहराई गई है साक्षी मिश्रा की कहानी, वो अब समाज के उन तमाम तबकों पर सवालिया निशान है। उन बेटियों के लिए और उस परिवार के लिए खतरा है कि क्या इस तरीके से हमारी सभ्यता और संस्कृति को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली विधायक राजेश मिश्रा और पप्पू भरतौल की पुत्री साक्षी मिश्रा की कहानी जिस तरीके से बिहार में दोहराई गई है उससे कई सवाल जन्म ले चुके हैं। और ये कहानी राज्य के बेतिया के छावनी मोहल्ले की है जो हमने आपको बताई है। और युवती ने जिस तरीके से अपने पिता पर तमाम आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल साक्षी मिश्रा से मिलते जुलते हैं। बेतिया नगर थाना के छावनी मोहल्ला में किराना व्यवसायी नितेश यादव के साथ घर से भागकर अंतरजातीय शादी करने वाली युवती कृति के अनुसार उन दोनों को उनके परिवार वाले अब धमकी दे रहे हैं और इसलिए उन्होंने ये वीडियो वायरल कर दिया है और अपना आधार कार्ड भी दिखा रहे हैं। और इसमें बकायदा वो लड़की कह रही है कि मैं बालिग हूँ। युवक कह रहा है, ससुर जी मान जाइए। तो जिस तरीके से इन लोगों ने वीडियो बनाया है इसने कई सवालों को जन्म दिया है कि क्या ये हमारी सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात है? क्या हमारी संस्कृति बदल रही है? क्या बच्चों की बातें हमेशा गार्जियन को मान लेनी चाहिए या फिर जो बच्चे कहते हैं वही गार्जियन को करना चाहिए? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं और आपके सुझाव बहुत जरूरी हैं। तो इस पर दें अपने सुझाव। नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट।